एंड बैक टू बीजीएम गेमिंग स्ट्रीम। कैसे हैं आप? यहां पर देख लिया सिर्फ फिर हम यहां पर आ चुके हैं। आज के कुछ में नहीं दिया ये सब करके बंदे कम आए हैं। आज कार्ड सारी टीमें नहीं आई जो रेगुलर थी। बीजीएम गैस भी की टीम आ चुकी है। यहां पर हरमन भाई यहां पर टीम आ चुकी है। कैफेंसी की पूरी टीम आ चुकी है। देख रहे हो कैसे की पूरी टीम आ गई है। और यहाँ पर मिश्र एस लोक्स की टीम आ चुकी है। अलोन सोलो आए हैं अपनी टीम से। तो फिलहाल देखना यहाँ पर एल्ट्रो की पूरी टीम आ गई है। ओपी की टीम आ चुकी है। बैटमैन की टीम आ चुकी है। हाइड्रा की टीम आ चुकी है। देखते हैं प्लेन पार्क का डेस्टिनेशन देखा जाए तो प्लेन के डेस्टिनेशन को देखते हुए कहाँ कहाँ पर टीमें जाने वाली हैं। तो फिलहाल देखना होगा प्लेन का जो कि डेस्टिनेशन है वो दीपोका से होता हुआ सीधा ही हॉस्पिटल की साइड को निकलता हुआ डेस्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टीमों को देखना हो टीम स्पार्क स्नेक की टीम आ चुकी है जो कि आशियाना जाएगी। और अगर रोतुराज की टीम यहाँ पर आई होगी तो मे भी वो टीम जहाँ तक मुझे लगता है अपने लिपोका ही उतरना चाहेगी। जे एक्सोरी की टीम वो मेटा जाना चाहेगी। और टीममेट भी आ जाए हैं। टीम आएंगी आई है देखना अपनी रेड की वो टीम आई है। एक टीम रेड की नहीं आई। अपनी किलशॉट नहीं आए हैं। एम एन शूटर आए हैं। आई पी मैन ओपी की यहाँ पर टीम आ रखी है। तो फिलहाल देखना जैसे मैं कह रहा था मेरे खास कोई टीम लिपोका जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है जो कि टीजेड की टीम है वो लिपोका जाएगी। और रोतुराज जो कि टेरा किंग की टीम है वो भी लिपोका ही जाएगी। वो टीम लिपोका ही उतरती है। तो फिलहाल देखना जे एक्सोरी की जो टीम है वो सीधा मिल्टा की साइड निकलेगी। और जो कि अपनी आई एन डी की टीम है उनको देखना होगा वो टीमें कहाँ जाएंगी। तो फिलहाल देखना होगा याशना के अंदर जा चुकी है टीम पर स्नेक की टीम जाएगी। टीम आई एन डी की टीम भी याशना जाती हुई। फिलहाल देख लो टी एस एफ जोड़ की टीम लेकर आती है याशना जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ पर जो कि अपने बैटमैन है जो वो उनकी टीम तो कन्फर्म वहाँ पर जा ही नहीं जानी है। अपार्ट के अंदर भी जाती हुई तीन टीमें वहाँ पर अपार्ट के अंदर जाती है। फिलहाल देख लो टीम नंबर वन इन साइड जा रही है वहाँ पर। और भी मेरे ख्याल से यहाँ पर टीमें जा रही हैं। टीम नंबर सेवन की सोलो टीम के हम वहाँ पर जाते हुए जो कि वहाँ पर लोन है वापस से देखना हो तो के अंदर मेरे ख्याल से एक टीम जाएगी जो कि हाइड्रा की टीम है। आई पी मैन ओपी वहाँ पर एक साइड से नौकर टीम की एक टीम आपको फिलहाल देखना हो जो कि मेरे ख्याल से टीम नंबर 22 के आम पर आई पी मैन ओपी एक टीम हम नोट किया था। फिलहाल देखना वहाँ पर लिपोका के अंदर वहाँ पर उन्होंने नोट डाला था। और क्या भाई फिनिश कर पाएंगे जिन्हें मेरे ख्याल यहाँ पर फिनिश नहीं कर पाएंगे उन्होंने नोट डाला। तो फिलहाल देखना वहाँ पर एक टीम नाम आई पी मैन बोर्ड बचे वहाँ पर राइजन भाई वहाँ पर एक साइड नोक डाला गया। काफ़ी कड़ा वहाँ पर राइजन को नोक डाल चुके हैं लेकिन वहाँ पर फिनिश करने के लिए उन्हें थोड़ा आई पी वहाँ पर क्लोजिंग करना पड़ेगा। यहाँ क्लोजिंग करते आई पी मैन ओपी एक साइड नेट ट्राई करते यहाँ पर नेट करते हुए काफी कड़ा उन्होंने नेट डाला लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। लेकिन क्लोजिंग कर चुके हैं राइजन को लगा दें पर फिनिश कर डालते हैं। एक और नेट आता और फिलहाल नहीं वो भी ना यहाँ पर बचे हैं। और वहाँ पर देख रहे हो तो राजमो कुछ टैरक नहीं यहाँ पर आते हुए सीधा रश करते आए हैं छुपाने की कोशिश। और बड़ी ही यहाँ पर लोग करते हैं एल टू बोर्डर में करने का कहना चाहेंगे। आई पी मैन ओपी है और वहाँ पर जो कि पैराडॉक्स से बड़ी दिलवान को पिंच कर चुके हैं। तो फिलहाल देखना वापस के नाम की टीम आपके बीच अगर फाइट चली हो और अपनी दोनों टीम आप उसको बड़े यहाँ पर बचा लेंगे। जॉर्जो के अंदर भी युवा टीम मेट्स हो रहे हैं और एफ एन सी यहाँ पर पूरी टीम है। याशियाना के अंदर वहाँ पर मेरे ख्याल फाइट हो सकती है। यहाँ तक मुझे लगता है आई पी मैन ओपी की टीम भी वहाँ पर जा रखी है। मिल्टा के अंदर भी मेरे ख्याल में फाइट हमें देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज में है टीम है। तो फिलहाल इसलिए वहाँ पर भी हमें फाइट देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल देखना जे एक्स और ये टीम वहाँ पर आज नहीं गई और जो कि युवा टीम मेट अपनी टीम से सोलो थे जो कि जॉर्जो गए थे उनको बड़े यहाँ पर फिनिश कर दिया गया। सैम देखना टीम नंबर 10 के हम वहाँ पर देखना एक साइड वहाँ पर टीम नंबर 3 के मैम आई थी वहाँ पर 3 के नहीं किसी और टीम के हम वहाँ पर किसी को नॉकआउट करने। फिलहाल देखना वहाँ पर टीम नंबर जो 5 के हम वहाँ पर एक साइड से नॉकआउट करने। फिलहाल देखना अलोन जो कि अपनी टीम सोलो थे वहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। टीम किंग अपार्ट के अंदर वहाँ पर फाइट चल रही। तो फिलहाल देखना वहाँ पर जो टीम नंबर 5 के हम वहाँ पर एक साइड से बीजेम आसिफ वहाँ पर क्या कुछ रहा है। टीम नंबर 1 के हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं उनके जो कि टीम किंग ओपी है वहाँ पर उनके देखना होगा स्पैरो हैं और उनके एस भी हैं। तो फिलहाल देखना वहाँ पर क्या कुछ पाएंगे वो टीम के हम। तो फिलहाल देखना होगा बीजेम आसिफ वहाँ पर हैं तीन टीम वहाँ पर बैठे हैं। तो फिलहाल देखना और किसी और टीम हमें कहा था जो कि याशियाना के अंदर हमें जल्दी फाइट नहीं मिल सकती लेकिन देखना जो कि एस भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो रखे हैं जो कि टीम है वन की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो रखे हैं। बीजे मासिक के कैमरे में देख लेते हैं बीजे मासिक अपनी टीम से सोलो बचे हैं कि दो टीम है उसकी इतनी जल्दी किया गया कि कहने बीजे मासिक अपनी टीम सोलो बचे सामने तीन टीम नाम से देखना होगा क्योंकि बीजे मासिक वगैरह तीन टीम हम फिनिश कर पा रहे हैं। बीजे मासिक वहाँ पर टीम लगाते हुए टी वन किंग ओपी वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा क्लोज से गुजरते हुए। फिलहाल देखना होगा एस बी सामने है टी वन किंग ओपी एस बी स्टार्ट से लेकिन प्ले देने की कोशिश की थी लेकिन फायदा नहीं है इसलिए वहाँ पर उनको बड़े यहाँ फिनिश कर सकते हैं। देखना होगा बाकी टीमों के ऊपर यहाँ पर नजर डाली जहाँ तक मुझे लगता है याशियाना के अंदर एक साइड चली जाएगी कि याशियाना के अंदर यहाँ पर हम फायर देखने को मिले और नौ की ओर रखें यहाँ पर टीम आई स्नैक्स नौ करें तरह से टीम आई 15 के नाम रखें स्नैक्स नौ रखें और मेरे सैम को नौ किया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है टीम आई सैम एन एम शूटर को चढ़ कर नौ किया जाएगा जिसके नाम से वहाँ पर एक साइड से ठीक नंबर 18 के नाम से नौ करते हैं एन एम शूटर और फिर भी रखते हैं पड़ेगी यहाँ पर देखना होगा आई एन सैमन भाई को भी नौ कर दिया गया। तो फिलहाल देखना पीछे से वो काफी आता वहाँ पर बड़े
करना देखना होगा उनके टीम गेम्स वापस नहीं पाएगा निंजा वापस वहां पर एक साइड नॉक करते क्या फिर डाल पाएंगे इसका देखना होगा तो उनके मंजी निंजा वहां पर एक साइड से नॉक करते फिलहाल देखना वहां पर क्या कुछ कर पाएंगे वो टीम के मेंबर्स। हाँ स्पार्क्स ने को जो कि वहाँ पर नोक वगैरह किया गया था तो फिलहाल देखना, लेकिन बड़े वहाँ पर क्या कुछ करने शायद 360 के पहले स्क्रीन जो फिलहाल देखना होगा और बाकी टीमों के ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पर नजर डालनी होगी जो कि मेरे ख्याल से उनके टीम कैम्स की टीम कैम्स यहाँ पर मेरे ख्याल से टी एस एफ जोड़ वहाँ पर देखना वहाँ पर बैठे एक साइड से आई थिंक मेरे ख्याल से आज उन्हीं के साथ खेल रहे टी एस एफ जो कि जोड़ हैं लेकिन उनके साथ वहाँ पर जो कि जोड़ हुए आई थिंक वहाँ पर आज नहीं आए हैं बैटमैन तो आए हैं लेकिन उनके एक और टीम मेंबर्स वहाँ पर हैं जो कि मेरे ख्याल से उनके साथ नहीं है जो कि मेरे ख्याल से विशाल या आकाश ऐसे कुछ नाम से आते हैं नहीं आए वो टीम कैम्स उनके साथ खेलने के लिए निंजा खेल रहे हैं जोड़ खेल रहे हैं दो टीम हमसे अलग से वहाँ पर उनके साथ खेल रहे हैं फिलहाल देखना होगा यहाँ पर और उनकी टीम के को देखना होगा मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या यहाँ पर फिनिश कर पाएंगे जो कि उनकी स्पार्क स्नेक की यहाँ पर टीम बच रखी है जो कि अक्सर भाग यहाँ पर पार्ट होती है उनके मैक्स मेरे ख्याल से यहाँ पर होंगे जहाँ तक मुझे लगता है सात संतु हैं और देखना होंगे जो कि स्नेक है यहाँ पर बच रखे हैं फिलहाल देखना वहाँ पर क्या उछर पाएंगे टीम के सामने देखना काफ़ी लड़स पे देने की कोशिश की गई थी क्या पाएगी डाला जाएगा मैक्स वहाँ पर काफ़ी लड़स पे देने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ और बाकी टीम मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है तो उनकी फाइट होने मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है टीम नंबर 10 और जो कि टीम नंबर 2 के मैम वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं और मेरे ख्याल से उनकी फाइट भी हमें देखने के लिए मिल सकती है लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा दूर हैं इसीलिए वहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे लेकिन उनकी फाइट नहीं हुई क्योंकि मिल्टा के अंदर ही वो दोनों टीम होती थी फाइट वगैरह वहाँ पर लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहाँ पर नहीं और हाइडर की टीम स्पैरो वहाँ पर नॉक कर चुके हैं वहाँ पर जो टीम वन के मैम होंगे जहाँ तक मुझे लगता है स्पैरो जी वहाँ पर एक कर दे नॉक कर चुके हैं टीम मैम जो कि 12 के मैम को नॉक किया गया उनके हाइडर विशो को नॉक किया गया तो फिलहाल देखना वहाँ पर सुरु है माही है रामू है तो फिलहाल देखना वहाँ पर पाएंगे टीम कैम्प को सामने काफी कड़े जो कि विश्वान हो गए थे बड़े यहाँ पर आ चुके हैं पूरी टीम को स्पैर वहाँ पर अकेले वहाँ पर आ चुके हैं उनकी टीम कैम्प थोड़ा जी हाँ वो भी वहाँ यहाँ पर पहुँच चुके हैं वो थोड़ा दूर है टीम कैम्प से फिलहाल देखना आज वहाँ पर जल्दी क्लोजिंग कर जाएंगे दूर से कवर देने की कोशिश करते वो टीम कैम्प जहाँ तक मुझे लगता है फिलहाल देखना वहाँ पर उनके स्पैर वहाँ पर एक कर फ्लैंक वगैरह करने की कोशिश करेंगे यहाँ तक मिलता है फिलहाल देखना उनके क्या कुछ करें किंग ओपी यहाँ पर एक साइड स्मोक वगैरह करते हो ताकि वो स्मोक करके अपनी टीम मैम से पास जा सके इसलिए वहाँ पर स्मोक का बॉल बनाते हो तो फिलहाल देखना होगा क्या पास करके जाने चाहिए यहाँ पर मुझे लगता है और वहाँ पर देखना होगा एक टीम दो टीम मैम सुनो कुछ यहाँ पर देखना होगा हाइड्रा की अपनी टीम से आगे माही को स्पैर कर हाइड्रा की पूरी टीम का और बड़ी इजीली वाइप करते हैं यहाँ पर उनकी टीम के नाम तो फिलहाल देखा हुआ यहाँ पर देखिए ऐसे भी थे वहाँ पर 1v2 कर गए थे आई थिंक पीछे तो वहाँ पर किंग होपी एक नाम से नौकर गए थे एक नाम से स्पैरों ने वहाँ पर बड़ी ईजिली और हाइड्रा की पूरी टीम का प्रोवाइड करते हैं सामने देखना होगा पीछे ड्राइजन डाकू डेडी की टीम के नाम से नौकर जो मेरे टीम नंबर 14 के नाम से यहाँ पर मिल रहे डाकू डेडी और वहाँ पर देखना मेरे उनकी फाइट होती है 22 का मिली पोका के अंदर उनकी फाइट होती है कल का ऊपर फिलहाल देखना फिनिश कर देगा जे एक सॉरी और बड़े जिले यहाँ पर उनकी पूरी टीम वाइप होती है डी जेड की टीम के आम बड़े जिले यहाँ पर वाइप करते हैं उनकी टीम के आम जो कि डाकू डेडी की टीम के आम से बड़े जिले पर उनको वाइप किया गया टीम स्पॉर्ट्स ने किया फिर जोड़ को निशान और निशान फिनिश करते हैं अपनी स्नेक के टीम नाम जो था 11 के नाम से उनके टीम नाम से स्टैंड ओवर इंश्योरेंस फिनिश करते हुए जो कि टी एस एफ जोड़ थे वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले गए थे वो टीम के आम बड़े जिले को फिनिश करते बैटमैन वहाँ पर देखना होगा काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मैक्स वहाँ पर एक साइड से रश करने की कोशिश करते हैं जो कि बैटमैन है उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज है फिलहाल देखना उनके स्नेक एक साइड से आना चाहेंगे या स्नेक को काफ़ी ज़्यादा स्प्रे देते हैं उनके बैटमैन फिलहाल देखना उनके स्नेक ऐसा ऑप्शन तो मैक्स एक साइड से रश करते हैं फिलहाल देखना है एम्पोर लेकर यहाँ पर बैठते हैं आप 8 से आप 8 दूसरे कूदेंगे फिलहाल देखना वहाँ पर यहाँ जंप करते हैं एक साइड से बड़े यहाँ पर निकलेंगे मैक्स और सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन देखना वहाँ पर बड़े इजी यहाँ पर एम लेकर बैठ चुके हैं अपने जो बैटमैन और वहाँ से निकालना चाहेंगे कि अपने एक्वा पिकाचू के पास जाना चाहेंगे यहाँ पर वहाँ पर रुककर फायदा नहीं है तो फिलहाल देखना होगा क्योंकि भाई वहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ सामने बैठ चुके हैं बड़े जो कि अपार्ट के ऊपर यहाँ पर प्रॉन हो चुके हैं फिलहाल देखना होता है कि भाई कोई टीम मेम्बर्स आए और मैक्स को काफ़ी कड़ते हैं मैक्स को नोक करते हैं स्नेक एक साइड जाना चाहेंगे एस आर संतु एक साइड जाना चाहेंगे एस आर संतु को मेरे ख्याल से नोक डाल सकते हैं यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ एस आर संतु वहाँ पर मेरे ख्याल से एम वगैरह लेकर आना जरूरी है एस आर संतु काफ़ी कड़ सकते हैं तो फिलहाल देखना उनके जो स्नेक एक साइड जाना चाहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है उनके बाकी जो टीम कैम्स हैं एक्वा पिकाचू हैं निंजा हैं वो भी एक साइड जाना चाहेंगे अपनी टीम को कवर देने के लिए जहाँ तक यहाँ आ चुके हैं एक साइड जो कि एक्वा पिकाचू आ चुके हैं निंजा हट चुके हैं तो फिलहाल देखना होगा सामने काफ़ी कड़ा नेड वगैरह ट्राई करते हुए बैटमैन वहाँ पर एम लेकर बैठे हैं ताकि आप उनकी टीम कैम्स को जो कि ऐसा पसंद है अगर रिवाइव करने के लिए आते हैं तो उनको फिनिश कर सकते हैं तो फिलहाल देखना वहाँ पर स्मोक वगैरह मेरे ख्याल से जी हाँ उनके पास आई थी वहाँ पर नहीं है फिर वो करने जी हाँ उनके पास नहीं है वरना वो ट्राई ज़रूर करते स्नेक एक साइड से आए हैं स्नेक मेरे ख्याल से कवर देंगे जी हाँ स्नेक के पास स्मोक यहाँ पर स्मोक करेंगे अपनी टीम को बचाने के लिए जी हाँ पर देखना उनकी टीम कैम्स को फिलहाल देखना वहाँ पर क्या बैटमैन यहाँ पर फिनिश कर पाएंगे स्मोक जो कि नीचे ही हो चुका है तो फिलहाल देखना होगा स्मोक उन्होंने किया था लेकिन वो स्मोक नीचे ही हो चुका था फिलहाल देखना स्नेक वापस यहाँ पर स्मोक करते हैं बैटमैन वहाँ पर एम लेकर बैठते हो तो फिलहाल देखना होगा बैटमैन वापस मेरे ख्याल से नोक वगैरह डालेंगे किसी को जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ सामने स्मोक कर चुके हैं वो टीम के ऐसा संत एक साइड जाने के ऐसा संत डालेंगे स्नेक एक साइड कवर देते हैं बैटमैन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो कर चुके हैं फिलहाल देखना वहाँ पर
बैटमैन को लेटर ले यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग खेल जा चुके हैं। बैटमैन वहाँ पर सीधा हिल करेंगे, मैक्स वहाँ पर हिल करके निकल जाएंगे, लेकिन जो कि अपने बैटमैन है वो वापस उनको स्प्रे दे सकते हैं यहाँ पर नहीं लगते हैं। सर वोटिंग का भी निकल कुछ करके मैक्स को ऑप्शन किया गया है, सर संतु बनो किया गया है, बैटमैन सीधा रश वगैरह वहाँ पर करना चाहेंगे, उनके निंजा हैं एक्वा पिकाचू हैं, बैटमैन सीधा मेरे यहाँ पर रश करेंगे, एक सर जाएँ और अपार्ट से अपार्ट में एक जंप लगा सकते हैं वो टीम के बड़ी इजली, पिकाचू नीचे से आते हुए बैटमैन जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, निंजा एक साइड से आए हैं, एसआर सुन तो वहाँ पर ही हो चुके हैं, मैक्स वाले मेरे ख्याल से जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, मैक्स से लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, एक बार पिकाचू वहाँ पर नेट गिन अप करते होंगे, निंजा एक साइड से फिलहाल दिखना वोटिंग ग्राउंड, एसआर सुन तो जो कि है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर हील करना चाहेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से देखें जो कि उनके स्नेक है उनको भी देखना, वहाँ पर स्नेक अपना जो कि पोजीशन लेकर बैठेंगे और जो कि बैटमैन है वो वापस से बाहर अपनी पोजीशन लेकर बैठ चुके हैं, तो फिलहाल देखना कि वापस से यहाँ पर मेरे ख्याल से नोको गार्ड निकाल सके किसी टीम मैम्स को, और उसके बाद मेरे ख्याल से आप रश कर सकते हैं उनके टीम के आम से अगर बाकी एक टीम मैम्स को वहाँ पर नोको गार्ड निकालते हैं तो बड़े जी यहाँ पर रश कर सकते हैं, और मैक्स को मेरे ख्याल से बड़े जी फिनिश कर दिया जाएगा बैटमैन की तरफ से, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ बैटमैन को काफी कड़ा नॉक डाल चुके हैं, वहाँ पर स्नेक ने काफी कड़ा नॉक डाला है, सर संतु सीधा अपनी टीम को रिजर्व के लिए भागते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर, थोड़ा लेट हो गए, अगर बैटमैन थोड़ा पहले यहाँ पर फायर करते तो बड़े जी यहाँ पर उनकी नीचे अपनी टीम को रिजर्व देने के लिए जा चुके हैं, फिलहाल देखो जो अपने स्नेक यहाँ पर एक साथ नेट पर करते हैं, तो फिलहाल देखना स्नेक का यहाँ पर नेट परफेक्ट होने वाला है, तो फिलहाल देखना होगा क्या स्नेक का नेट यहाँ पर परफेक्ट होता है, सर संतु एक साइड से जंप कर चुके हैं, सर संतु को वहाँ पर देखना, ऐसा संतु का फिनिश करेंगे, फिलहाल देखना ऐसा संतु वहाँ पर एक साइड से जाए गए हैं उनके ऊपर रश वगैरह करने के लिए, फिलहाल देखना अपनी टीम से, लेकिन जो नीचे यहाँ पर यहाँ पर याद देंगे एक बार एक साइड से आए स्नेक मेरे ख्याल से छत जो कि छत के ऊपर छत पे जंप कर सकते हैं, लेकिन भाई वो मेरे ख्याल से अपने बड़े अपार्टमेंट में जो कि दूसरा अपार्टमेंट वहाँ पर रुक रखे हैं, तो फिलहाल देखना उनके ऐसा संत को देखना है, तो पिकाचू जो भाई दरवाजे पर आकर बैठ गए हैं, तो पिकाचू काफी रखते हैं जिनको जो कि बैठना है वो यार वो जहाँ तक मुझे लगता है एक लेकिन भाई यहाँ पर नॉक फिनिश नहीं कर पाए, देखना आपने जिस स्नेक का मेरी स्कोर बचा है, फिलहाल देखना वहाँ पर स्नेक कैम के पाएंगे, स्नेक आप थोड़ा दिन कोशिश करते हैं, नींजा बचे हैं बैटमैन है एक बार पका चुके हैं, तीन टीम नाम से वहाँ पर देखना नेट की नब करते हैं अपने स्नेक और नेट वगैरह वहाँ पर करना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है क्या एक साइड से यहाँ पर एक साइड उनका नेट में खाद वेस्ट होने वाला, क्योंकि वोटिंग जान वहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए वहाँ पर देखना हो बैटमैन सी दवाई छत जो कोई छत के ऊपर छत कूद चुके हैं, फिलहाल देखना हो वहाँ पर उनकी टीम गैम जो कि स्नेक है वहाँ पर मेरे ख्याल सपोर्ट कर जाएंगे, फुट वगैरह वहाँ पर ले चुके होंगे, फिलहाल देखना अपने स्नेक स्नेक को पता होगी ऊपर कोई टीम गैम से, फिलहाल देखना हो जो अपने स्नेक वहाँ पर बैठे हुए, तो फिलहाल देखना डी बी एस उनके हाथों में क्या 1v3 में देखने के लिए मिल सकता है, कि भाई डी बी एस काफ़ी मतलब भाई ओपी गन है, अगर क्लोज रेंज में देखा जाए तो बेस्ट गन है भाई, वहाँ पर तोड़ नहीं है डी बी एस का, और वहाँ पर एक है पीछे पकड़ने वाली है और एक भाई घर जाने वाला है, तो फिलहाल देखना होगा जो कि स्नेक है क्या यहाँ पर फिनिश कर पाएंगे, बाकी टीम आए दिन थोड़ा दूर दूर है, जहाँ तक मुझे लगता है टी एस एफ और जो कि अपनी रेड मोहिनी की टीम है उनकी आपस में फाइट हो सकती है, यहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है वो टीम में, उन दोनों की यहाँ पर फाइट वगैरह हो सकती है, सामने नेड वगैरह ट्राई करते हैं अपने एक और पिकाचू हैं निंजा है बैटमैन है वो आपस में नेड वगैरह वहाँ पर ट्राई करते हैं, उनके देखने वो टीम के आम से अगर वहाँ पर जाते हैं तो उनको फिनिश वगैरह डाल सकते हैं, एक और पिकाचू जो मेरे का बैटमैन है वहाँ पर एक साथ पोजीशन वगैरह जांच की कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक साइड से गए हैं, तो फिलहाल देखना वहाँ पर एक साइड से जो थर्ड फ्लोर है यहाँ पर गए हैं, लेकिन जो स्नेक और थर्ड फ्लोर नहीं है वहाँ पर बैठे हुए उनके एक और पिकाचू हैं निंजा, वो एक साइड जाना चाहेंगे, और वापस मेरे ख्याल से यहाँ पर वो टीममेट जो कि उनके टीममेट्स हैं वहाँ पर ट्रिक वगैरह लगाना चाहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है वापसी जो यहाँ पर जो अपने स्नेक है बिल्कुल नॉन फुट टाइम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल फुट वगैरह वहाँ पर नहीं दे रहे हैं, कि जैसे ही कोई टीम के आंसर अंदर आते हैं तुरंत उनको डी बी एस शिफ्ट पाई जाएगी, लेकिन उनके जो कि निंजा है बैटमैन है वापस मेरे ख्याल ट्रिक वगैरह लगा कर दिया, तो सेकंड फ्लोर जाएंगे, फिलहाल देखना होगा फर्स्ट फ्लोर पर आई थिंक चेक वगैरह कर चुके होंगे, इवन मीटिंग गैम्स वहीं से आए हैं, तो फिलहाल देखना होगा बैटमैन है पिकाचू यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सर्कल आई थिंक उनके पास अभी तो जी हाँ पर ज़्यादातर सर्कल उनके पास नहीं है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि सर्कल वहाँ पर ट्रांसफर वगैरह हो चुका है, तो फिलहाल देखना होगा उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा, तो फिलहाल देखना होगा बाकी टीम गैम्स को भी यहाँ पर जरूर से देखेंगे और उनकी फाइट होती है, तो फिलहाल देखना हो जो कि फिलहाल यहीं पर जो कि फाइट काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, अगर यहाँ पर नोक वगैरह निकाल देते हैं एक दो टीम गैम्स को, तो फिलहाल देखना होगा वहाँ पर, और अगर तीनों टीम आपको नोक निकाल देते हैं तो भाई क्या ही बात, सामने स्मोक कर चुके हैं वो टीम के हम, फिलहाल देखना हो पीछे से मेरे ट्रिक वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं स्नेक वहाँ पर एक तरह से पोजीशन वगैरह वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कि अगर वो टीम के से पीछे कूदते हैं तो भाई वहाँ पर देखना जो अपने बैटमैन है वापस मेरे ट्रिक लगाएंगे, तो फिलहाल देखना अपने बैटमैन जहाँ पर मेरे एक साइड से ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, सेकंड फ्लोर एक साइड जाते हैं लेकिन भाई बिल्कुल नीचे जा चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ उसके सेकंड फ्लोर जाने की उन्होंने कोशिश की थी, और जो कि उनके निंजा एक साइड से जा चुके हैं सेकंड फ्लोर स्नेक को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि निंजा का फिलहाल देखना वहाँ पर बड़ी इजली सपोर्ट किया और बड़े यहाँ पर उनको फिनिश कर दे, तो फिलहाल देखना वहाँ पर बड़े यहाँ पर उनको फिनिश वगैरह किया जा चुका है, वापस चलना होगा अपनी किसी और टीम से भी चल लिया जाए, मेरे ख्याल अगर फाइट हो रही है जहाँ तक मुझे लगता है जो कि टीम नंबर 4 के मैम से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, अदर बेसाइड टीम नंबर 18 के मैम काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो फिलहाल देखना होगा वहाँ पर उनको स्प्रे वगैरह देंगे, वोटिंग काम देंगे एक साइड से रुक चुके हैं, तो फिलहाल देखना एम टू उनके हाथों में 8x लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, और टी एस एफ की टीम उनके जस्ट बगल से लेकर भाई चली गई है, तो फिलहाल देखना होगा, और T1 किंग ओपी उनको भी देखना उसका रोज का पार्ट के अंदर भाई बैठे हुए हैं, MR वगैरह भाई लेकर बैठे हैं वो टीम के हम से, अगर वहाँ पर उनकी फाइट वगैरह होती है बड़े जहाँ पर उनको फिनिश वगैरह कर सकते हैं वो टीम के हम, दूर की फाइट वहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो भी टीम उनके साथ दूर की फाइट लेकर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली, क्योंकि MR वगैरह वहाँ पर लेकर बैठे हैं 1 बुलेट वहाँ पर जो कि गन लेकर बैठे हैं,
और बाकी देखना होगा यहाँ पर टीमें, बाकी काफ़ी ज़्यादा जो कि टीमें दूर दूर हैं, जो कि मेरा टीम नंबर 3 के नाम से वो टीम नंबर 6 के नाम से सर्टिफाइड ले सकते हैं उनके धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए, जो कि अपने टीम नंबर 3 के नाम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जिसमें मेरे उनकी टीम के नाम से टीम नंबर जो कि 6 के नाम से एक टीम नाम से टीम नंबर 6 की टीम नंबर 2 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जो कि शाहरुख बोस है वहाँ पर देखना होगा, वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है टीम नंबर 2 के नाम से फिलहाल देखना होगा। PSY भाई और यहाँ पर मेरे सैफ भाई और काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो फिलहाल देखना होगा कि हवलदार भाई और वहाँ पर क्या कुछ करवाएंगे वो टीम के एमबर्स। शाहरुख को वहाँ पर देखना हो अपनी टीम जो कि यहाँ पर सोलो बैठक है, बाकी टीम के आम शायद उनके दूर है, फिलहाल देखना टीम सिक्स के आम पूरी टीम एक साइड से भाई आ चुकी है, सभी टीम के आम भाई एक साथ आ चुके हैं, तो फिलहाल देखना TSF की टीम के आम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, टीम जिन 4 के एमबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। PSY सैफ भाई का तो मैं यहाँ पर M2 है, सामने M3 कल बैठे अपने डार्क शोल वगैरह भाई, वहाँ पर देखना हो TSF की जो भी टीम के आम थे और वहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अपने PSY सैफ है वो टीम नंबर 10 के आम को सपोर्ट किया है, लेकिन जो कि मेरे कहते हैं उनके जो कि पीछे एक स्पोर्ट है वो सामने सपोर्ट कर सकती है, टीम नंबर 4 के आम थे वो सामने सपोर्ट कर सकते हैं, टीमों को जहाँ तक मिल सकते हैं एक साइड, फिलहाल देखना वहाँ पर सामने सपोर्ट वगैरह करने की कोशिश करते हैं, डार्क शोल वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, सामने पूरी टीम है जहाँ पर जो कि सैफ को मेरे स्प्रे देंगे, सैफ को स्प्रे दिया गया, सैफ को जो फिनिक्स वहाँ पर नॉक करते हैं बड़ी इजली, डार्क शोल वहाँ पर उनको स्प्रे दिया था, MG3 लेकर सीधा रश करेंगे वो टीम के अंदर, खड़े रश करते हैं, फिलहाल देखना चारों टीम हम चलाई गए, विश्व आई थिंक उनके थोड़ा दूर है, विश्वा भी लेकिन पहुंच जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है विश्वा, जैसे ड्रॉप लूटने गए तो भाई वो पहुंचते हुए अपनी टीम के नाम से वहाँ पर पहुंच कर सीधा मैं कहता हूँ अपने नेड वगैरह ट्राई करेंगे वो टीम के हम थोड़ा नॉक वगैरह निकाल सकते हैं वो टीम का बड़ी इजली, विश्वा को वहाँ पर देखना होगा क्या चलाएंगे विश्वा, जो कि यहाँ पर देखना होगा उनके MK उनके हाथों में, जो कि उनके विश्वा हैं और M4 वहाँ पर चलाते हुए सामने चारों टीम फोर का मामला है, यहाँ पर नेड वगैरह वहाँ पर ट्राई करते हुए TSF टीम का हवलदार को वहाँ पर नॉक किया गया, थोड़ा देखना होगा किंग बचे हैं सैफ बचे हैं सामने देखो लोग को नोट किया जाएगा मेरे किंग और बड़े की हवलदार को फिनिश किया जा चुका है, तो फिलहाल देखना वहाँ पर रेस्ट वगैरह करना चाहेंगे वो टीम के मेंबर्स, वापस से TSF जो कि विश्वा वहाँ पर नेट ट्राई करते हैं, फिलहाल देखना जो कि लोग वहाँ पर एक साइड नीचे आ चुके हैं, तो फिलहाल देखना लोग वहाँ पर बचे हैं सैफ बचे हैं और उनकी भी एक नाम से नोट किया जिनको टैक्स से मेरे जो कि OP गोड खाता की तरफ से वहाँ पर वगैरह आता और एक नाम से नोट करें सैफ को बड़े यहाँ पर फिनिश किया जा चुका है और जो कि उनके ब्लड थे बड़े अपनी टीम को बचा लिया जाएगा, पीछे जो कि OP की टीम के हम सबसे गोड़ फादर उनको काफी लड़ाई से आज का स्प्रे दे रहे थे लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ, बड़े जहाँ पर उनके टीम के हम रिवाइव हो जाएंगे, और जो कि टीम नंबर 2 के मैम से वहाँ पर सोलो है PSY उनके स्पैम जो कि हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, हरमन है उनके वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, अब्दुल तो फिलहाल देखना वो भी है काफ़ी ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठे हैं वो टीम के हम से फिलहाल देखना होगा, सभी टीम के हम काफ़ी ज़्यादा दूर दूर बैठे हैं, मेरे ख्याल साथ में रहना चाहिए तो ज़्यादा फायदा होता है, अगर आपकी टीम साथ में रहती है तो आप सामने वाली टीम को फिनिश वगैरह करने के बाद यहाँ पर थोड़ा चांस बन जाता है, लेकिन अगर आप दूर दूर रहोगे तो अकेले अकेले बड़े जिले यहाँ पर फिनिश हो जाओगे, सामने देखना होगा फिलहाल जो कि अपने TZ की टीम के हम वो सर्कल के अंदर एंटर होते हुए, फिलहाल देखना होगा जो कि अपने एक्वा पिकाचु की टीम है वो भी सर्कल के अंदर एंटर हुई, फिलहाल सर्कल के अंदर ही है लेकिन वहाँ पर देखना होगा सर्कल के अंदर एंटर होना चाहिए, ब्लू सर्कल के अंदर वहाँ पर बैठे हैं वो टीम के हम फिलहाल टीम नंबर 1 के हम के पास पहले ही सर्कल है जो कि पार्ट के अंदर बैठे हुए हैं, देखना हमने रेड जोन और वहाँ पर जो कि रेड की टीम है वो अपनी पोजीशन वहाँ पर बनाती है, TZ की टीम के अंदर अपनी पोजीशन वहाँ पर बना चुके हैं फिलहाल देखना सर्कल के अंदर, लेकिन देखना हो जो कि अपनी FNC की टीम है वो भी सर्कल के अंदर एक साइड से निकलती है सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ पर निकल चुकी है, तो फिलहाल देखना होगा वो टीम के अंदर, बाकी टीम के हम जो कि OP की टीम है वो भी एक साइड सर्कल जाएगी, तो फिलहाल देखना और सभी टीमों को मेरे जो कि टीम ऑफ 4 के हम से उनको जल्दी सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा, टीम ऑफ 3 के हम वहाँ पर देखना जो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है टीम ऑफ 4 के और वहाँ पर निकल चुका है वो टीम के हम से अपनी गाड़ी का जो कि बैक गियर वहाँ पर लगा चुका है, वहाँ थोड़ा पीछे निकल गए वो टीम के हम भाई सामने से आदमी उनको फायर वगैरह आ रहा होगा या फिर उनको पता लग गया होगा कि सामने बंदे, इसलिए वहाँ पर दो ही टीम मैम्स थी इसलिए वहाँ पर उन्होंने अपना गाड़ी का बैक गियर लगाया और भाई थोड़ा पीछे आ चुके हैं, तो फिलहाल देखना होगा और बाकी टीम के को देखना जो कि अपने एक और पिकाचु की टीम के हम बैट्समैन है एक और पिकाचु हैं और जो कि इनके निंजा हैं, तो फिलहाल देखना होगा क्या कुछ रहा है अपनी टीम मैम्स को वहाँ पर लेकर जाने की, बैट्समैन को वहाँ पर लेंगे ब्लू सर्कल से सीधा भाई सर्कल के अंदर छोड़ेंगे, निंजा को वहाँ पर छोड़ चुके हैं वो टीम यहाँ पर जिन्हें सर्कल को रीच कर जाएंगे, PS की टीम जो कि हम क्योंकि हमसे वो भी सर्कल के अंदर आते हैं लेकिन जो उनके अब्दुल और शाहरुख हैं वो आई थिंक सर्कल से भी बाहर हैं, उनको भी जल्दी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, टीम 4 के हम सर्कल के अंदर जा चुके हैं, टीम हमें 3 के अंत में क्या जल्दी सर्कल के अंदर आएंगी कि भाई गाड़ी वगैरह हम बैठ चुके हैं वो टीम के अंदर सर्कल के अंदर निकलना चाहेंगे, देखना भाई अब किसकी टीम है उसके और फाइट होने वाली है वो जो टीम है बच्चे और फाइट वगैरह होने वाली है, तो फिलहाल यहाँ पर देखना होगा 31 बंदे बचे हैं 9 टीमें हैं, तो फिलहाल देखना और काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं टीमें, जैसे ही यहाँ पर सर्कल क्लोजिंग होता है ये वाला सर्कल जैसे ही फिनिश होता है और जो अगला सर्कल बनेगा आई थिंक उसमें ज़्यादा हम फाइट जैसे देखने के लिए मिलने वाली है, अभी जो टीमें दूर दूर हैं और जो टीमें अग्रेसिव थोड़ा खेलेंगी वो आई थिंक फाइट वगैरह ले सकती हैं, बाकी जो भी थोड़ा सेफ खेलने वाली टीम है वो अपनी अपनी पोजीशन लेकर वहाँ पर रुक चुके हैं और देखना होगी कि अपनी FNC की टीम है वो टीम नंबर 4 के नाम से काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाती है, मे भी उनके साथ फाइट वगैरह वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जो कि TSF जो कि FNC लीजेंड RDX हैं वहाँ से मेरे ख्याल देख कर वापस मुड़ चुके हैं,
সামনে টিমকে আমাদের টি আসলে যদি বিশ্ব হ্যাঁ ও পিছে সে আতে হলে গেছে এখন থেকে টিমকে আমাদের যখন জলদি পাল্টা আমি দেখে নিয়ে নিতে চাই যে আর ডিএক্স হ্যাঁ আবার ড্যাড এন্ড ফ্লাও দেখুন আবার আমরা সামনে অন করতে চাই আমি টিমকে আমাদের যত ফ্লাও দেখি যায় কিন্তু আমরা যদি টি আসলে ও থোড়া মাঝে নিকল চুকে এক ভাই উনকো পাতা इसलिए वोटिंग के अनुसार मैंने टीम मैच के पास वहां पर जाते हुए वहां पर भाई भी बोल नहीं रुका जो कि समझदारी वहां पर दिखाते हुए क्योंकि अगर वहां पर रुकते तो अच्छे भाई वहां पर फिनिश हो जाते तो मैं भी होप यहां पर सामने वाली टीम को बता चुके लेकिन उनके आरडीएक्स एक साइड से कब्जा क्लोज आ चुके हैं लिखा हूँ बीच पर कब्जा क्लोज आ चुके हैं लेकिन पूरी टीम उनके यहाँ पर देख रहा हूँ आरडीएक्स वहाँ पर बीच पर का नॉक डालेंगे एम फोर उनके हाथों में फिलहाल देख रहा हूँ बड़ी यहाँ पर नॉक डाल सकते हैं यहाँ तक मतलब आरडीएक्स वहाँ पर नॉक डाल सकते हैं आरडीएक्स यहाँ पर नॉक डाल सकते हैं वहाँ पर नॉक डाल चुके हैं एफ एन से लिंगन डैड को वहाँ पर देखना होंगे जो कि डैड है वहाँ पर बच रखे हैं लेकिन सभी टीम के आंसर बड़े यहाँ पर कवर वगैरह लेकर बैठे हुए हैं टी एस सभी टीम के आंसर वहाँ पर देखना होगा जो उनके डैड यहाँ पर हैं और उनके बाकी टीम के आंसर भी हैं जो मेरे ख्याल से आना चाहेंगे वहाँ पर थोड़ा बैक जा चुके हैं ए भी हैं और जो उनके एस के हैं तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा पीछे निकल चुके हैं वोटिंग के आंसर वहाँ पर उसका फायदा नहीं था इसलिए वोटिंग के आंसर उनके नाम के पास आ गए वहाँ पर फिनिश होने से अच्छा है कि अपना अपने टीम के साथ यहाँ पर चले जाएंगे वहाँ पर आपको फाइट का मौका यहाँ पर जरूर से मिलेगा बाद में लेकिन फिलहाल नहीं तो फिलहाल देखना वो टीम का हम थोड़ा फॉल बैक कर चुके हैं वहाँ पर देखना अजहर देसा अपनी टीम जो उनका सोलो बच रखे हैं यहाँ तक मुझे लगता है सोलो वहाँ पर बैठे हैं टीम नाउ जो 18 के मैम से उनके एन एम जो भी शूटर थे पहले ही फिनिश हो गए थे टीम नाउ वन के मैम से वहाँ पर अपार्टमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं क्योंकि अपार्ट के अंदर अभी तक सर्कल है लेकिन अभी उनका कटने वाला है क्योंकि सर्कल भाई और पूरी तरीके से नहीं रहने वाला है लेकिन देखना कि भाई यहाँ पर बीजीएमआई वालों के नशे हैं वहाँ पर क्राफ्टन वाले अपने कहाँ पर भाई यहाँ पर सर्कल बनाते हैं फिलहाल देखने वहाँ पर किसके पास यहाँ पर लक रहता है किसके पास सर्कल रहेगा जहाँ पर जो कि सभी टीमें सर्कल से बाहर हो चुके हैं सीवाई टी जेड और अपने टी एस एफ टीम के हम इसके सिर्फ दो ही टीमें सर्कल के अंदर हैं बाकी सभी टीमें सर्कल से बाहर होती हुई और इस सर्कल के अंदर मेरे ख्याल से फाइटें होने वाली है क्योंकि तीन ही जगह यहाँ पर घर बच रखे हैं जो कि मेरे ख्याल से कवर वगैरह ले सकते हैं टीमें बाकी थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा और वहाँ पर मेरे ख्याल से उनको पेड़ वगैरह रिच वगैरह का वहाँ पर कवर लेना पड़ेगा अदरवाइज वहाँ पर देखना होंगी टीम के हम जो कि अपने रेडी टीम के हम सर्कल के अंदर जाते हैं टीम नंबर टू के हम सर्कल के अंदर आने की कोशिश करेंगे और जो कि टीम नंबर थ्री के हम से वो एक सर्कल के अंदर आते हैं वो भी टीम सर्कल के अंदर आएगी टीम नंबर वन के हम सर्कल के अंदर आ चुके हैं टी एस एफ टीम के हम साथ में पार्ट ऑफ जैसे कि मैं कह रहा था बड़े यहाँ पर फाइट होने वाली है टीम के आता है देखना होंगे टीम होती है एस पी है स्पैरो वहाँ पर कांकड़ा एस पी को वहाँ पर उतारा गया है स्पैरो वहाँ पर देखना होगा टीम होती है स्पैरो वहाँ पर दोस्त यहाँ पर थोड़ा देखना अभी भी दोस्त याद से ज़्यादा क्योंकि गाड़ी ब्लास्ट की जा सकती है टीम को भी वहाँ पर देखना होगा गाड़ी ब्लास्ट की गई जैसे मैं कहता था टी एस एफ टीम के बड़े ही लॉन्ग वाइप करते हैं स्पैरो ब्लास्ट और वहाँ पर सभी किल लेकर जाते हैं तो फिलहाल देखना वहाँ पर गाड़ी वगैरह वहाँ पर ब्लास्ट करते हैं क्योंकि जैसे मैं कहता पर हमें जो कि अगला सर्कल पार्टी देखने के लिए मिलने वाली है और वहाँ पर बड़े जिला जो मैंने कहा टीम नंबर थ्री के नाम से रेड की टीम के साथ में एक बार बाइक के नाम साइड ले चुके हैं वहाँ पर देखना एक बार पिकाचु जो कि नोक हुए थे टीम जो 11 के नाम से उनके निंजा का चालू है रेड मोइन टीम नंबर थ्री के नाम से हम रेड मोइन को नोक करते हैं इंस्टेंट नोकर इंस्टेंट फिनिश करते हैं रेड मोइन को जो अपने टीम नंबर थ्री के नाम से टीम नंबर वहाँ पर देखना अपने टी एस एफ जो वहाँ पर टी जेड राइजन ऑफ टीम जो 22 के नाम से नोक उसमें बड़े यहाँ पर जो उनके एक बार पिकाचु बाहर टीम की निंजा थे बैटमैन थे एक बार पिकाचु बड़े जिन उनको फिनिश करते हैं पीछे से आगे और बड़े यहाँ पर आई मैन ओपी वगैरह वहाँ पर उनको बड़े फिनिश कर गए सामने थे टीम नंबर 17 के नाम से फाइट चली थी रेड अकेला वहाँ पर नौ कुछ जो कि रेड डेड थे वहाँ पर उनके साइड जो कैप्टन सी डेड थे रेड अकेला के ऊपर गाड़ी से वाचते थे जोनी वहाँ पर देखना वहाँ पर एक साइड बड़े यहाँ पर काफी गड़स पे देते जोनी के अपनी टीम मैम वहाँ पर रिहाइव दे देंगे तो फिलहाल देखना वहाँ पर अपनी टीम मैम बड़े जी अपने घर से रिहाइव करना चाहेंगे लेकिन सामने वाली टीम का मेरे घर से रश वगैरह कर सकते हैं जो कि डेड हूँ काफी ज्यादा क्लोज है फिलहाल देखना वहाँ पर गाड़ी वगैरह ब्लास्ट करते हैं सामने काफी गड़ा होंगे जो कि टीम काम था एक साइड भाई टी एस एफ की टीम के वहाँ पर जो कि जोनी को वहाँ पर एक साइड टाइम पर चिपका चुका है जो कि बड़ी यहाँ पर जोनी को नोक किया जाएगी टीम से सोलो बचे हैं जो टीम के विजार्ड यहाँ पर हमें टीम सोलो बचे हैं अपने टीम नाम को रिहा देने के लिए हम जाना चाहेंगे टीम के आवश्यक देखना उनको मैं क्या जहाँ पर स्प्रे वगैरह आ सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है विजार्ड को ठीक है भाई अभी हम जहाँ पीछे से स्प्रे आता है टी एस एफ टीम के हम उसको फिलहाल देखना वहाँ पर एक तरफ से और वहाँ पर देख जाएंगे जो कि जोन है वहाँ पर एक चढ़ती है जोनी को फिनिश किया गया तो फिलहाल देखना वहाँ पर अकेला यहाँ पर बच रखे हैं वहाँ पर देख लूँ अपने विजार्ड यहाँ पर फिलहाल देख लूँगा विजार्ड बचा हमारी टीम से सोलो और विजार्ड को बड़े यहाँ पर एफ टीम के हमसे नीचे अच्छे हैं सामने देख लूँ टी एस एफ टीम के हम उसको वहाँ पर देख लिया है पूरी टीम यहाँ पर जो कि अभी तक लाई है टी एस एफ टीम के हम फिलहाल देख रहे सामने जो भी एफ एन सी एंड की टीम के हम प्रयोग कर देंगे फिर दे टीम नंबर 10 के हम सिक्स सर्जनों को चुके हैं टीम नंबर 2 के भी एक टीम हम सुनो कुछ शाहरुख दो टीम हम टीम नंबर 2 के नाम कुछ फिलहाल देख रहे हैं शाहरुख वहाँ पर फिनिश किया गया और वहाँ पर टीम नंबर 10 बच्चे हम टीम नंबर 2 के नाम टीम नंबर 10 के हम सुनो आपके रस्ते देने कोशिश करते हैं फिलहाल देख रहे पी एस वाई सैम को हम पर नौके जाओ फिलहाल देख रहे हैं जो हरमन यहाँ पर बच रखे हैं एंग्री बॉय मेरे ख्याल से दे सकते हैं यहाँ तक मुझे लगता है फिलहाल देख रहे हैं हरमन सिंह सर के अंदर निकलने की कोशिश करते हैं टीम नंबर 10 के दो टीम हम वहाँ पर नौक पड़े गॉडफादर नौक पड़े जिद नौक पड़े
जैक और जो कि एंग्री बर्ड अपनी टीम मैम्स को याद देने चाहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और जो कि हरमैन है वो एक सर्कल के अंदर निकलते हैं, वहाँ को पाते हैं वहाँ पर अगर वो सर्कल से बाहर है तो भाई काफ़ी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। क्लाउड देखना वो टीम मैम्स अपनी टीम मैम्स को याद देंगे हील करने के बाद और सीधा वहाँ से निकालने जाएंगे। सर्कल से ज़्यादा दूर नहीं है तो क्लाउड देखना जो कि टीम नंबर टू के 16 टीम होते हैं। पी एस वाई जीत वहाँ पर एक सर्कल से वापस से नॉक हो चुके हैं कि भाई सर्कल काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने वाला है। एंग्री बर्ड एक सर्कल के अंदर निकलेंगे तो क्लाउड देखना उनके जैक नॉक हो चुके हैं, जो गॉड फादर नॉक हो चुके हैं। अभी भी एंग्री बर्ड अपनी टीम 16 बचे हैं तो क्लाउड देखना वहाँ पर टीम नंबर टू के 16 टीम होते हैं, टीम नंबर 10 के 16 टीम होते हैं। सामने काफ़ी ज़्यादा टीजर लेकिन वहाँ पर बचते ए भी है, एस के हैं, डेड है, वो भी तीन टीम हम से यहाँ पर बच रखे हैं। टोटल 6 टीम यहाँ पर बच रखे हैं। तो फिलहाल देखना होगा यहाँ पर जो कि 6 टीम है भाई, कौन सी टीम आज बिना बिना चिकन डिनर करती है। टी एस एफ की टीम के चारों टीम हम से अलाइव हैं। एक साइड जो कि टी जेड की टीम के हम से उनके भी चारों टीम हम से अलाइव हैं। रेड जो कि टीम नंबर टू के 16 टीम हम से अलाइव हैं। एंग्री बर्ड टीम नंबर टू के भी 16 टीम हम से अलाइव हैं। टीम नंबर जो कि 18 के भी 16 टीम हम से अलाइव हैं। फिलहाल ए बी टी जेड और टी एस एफ की टीम के हम काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है तो उनकी पैटर्न जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल देखना होगा वहाँ पर उनकी टीम के आर्म्स को, फिलहाल देख ले उनके ऑफेंसिव लीजेंड ए भी है वो सर्कल के अंदर आ चुके हैं। ऑफेंसिव लीजेंड की टीम और जो टी एस एफ की टीम है वो भी सर्कल के अंदर है। टी जेड की टीम को सर्कल के अंदर आना पड़ेगा और उनका मेरे ख्याल सैनिक वगैरह हो सकता है वो टीम के सर्कल के अंदर आएंगे। जो कि एंग्री बॉय है उनको भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। जो कि हरमैन टीम नंबर टू के आर्म्स उनको भी सर्कल के अंदर आना है और अदर डिसाइड सर्कल काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो मेरे ख्याल से वो टीम के भी जल्दी सर्कल के अंदर आ सकते हैं। तो फिलहाल देखना वहाँ पर बड़े जो सर्कल के अंदर आ सकते हैं वो टीम के आर्म्स और देखना अपनी जो टी एच जेड की टीम के हम से वो एफ एन सी लीजेंड ए बी की टीम के काफ़ी बहुत क्लोज आ चुके हैं। फिलहाल देखना जो कि एफ एन सी लीजेंड की टीम है क्या उन्होंने सपोर्ट किया होगा बैक साइड से बॉलिंग के हम तो आ चुके हैं। फिलहाल देखना होगा और मेरे ख्याल से वहाँ पर नोक वगैरह आ सकते हैं जैसे मैं कहता एफ एन सी की टीम कवर बनाया था लेकिन मान के दो टीम आपसे पहुंचे हैं ए बी भी एक सर्च में पड़े हैं। तो फिलहाल देखना वहाँ पर उनके डेड अपनी टीम सोल बचे हैं। टी एस एफ की टीम के आपने कहा पर रश करेंगे स्मोक कर चुके हैं जो कि अपने डैड है वहाँ पर देखना होगा चारों साइड यहाँ पर स्मोक कर चुके हैं अपनी टीम मैम्स को वहाँ पर बचाने के लिए। तो देखना वहाँ पर थोड़ा फॉल बैक भी यहाँ पर कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पर सामने ही रिवाइव देना तो वहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो फिलहाल देखना होगा क्योंकि एक टीम आपसे अच्छे आउट पहुंचे हैं फिलहाल देखना सामने कर चुका है डैड आपसे कर चुके हैं कुछ करते किसी का एक मैन ओपी आते हैं डैड को बड़ी मैं पूछ वगैरह करते हुए सामने देखो टी एस एफ वर्सेस यहाँ पर अब होने वाला है। हर मैं वहाँ सर्कल जिन्होंने कुछ कर जो उनकी टीम के आंसर टीम नंबर 18 के आंसर के अंदर आ चुके हैं। टीम नंबर 10 के आंसर के अंदर आज चुके हैं तक मिल सकता है जहाँ पर जो उनके एंग्री बॉय हैं वो एक साइड सर्कल के अंदर हैं। टीम नंबर जो ठहर के हम सब वो एक साइड साइड सर्कल के अंदर ही है। जिस तरह वो टीम जितना चाहेंगे तो हम लोग एंग्री बॉय काफ़ी कड़ा स्प्रे आता हुआ जो टी एस जेड की टीम के हम काफ़ी कड़ा स्प्रे देने की कोशिश करते हैं। टी एस एफ की टीम के हम अभी तक भाई अलाइव हैं उनको भाई जल्दी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा जहाँ जो उनके फेनिक्स के साथ प्लान कर चुके हैं वो टीम के अंदर और बाकी टीम के उनके पीछे पीछे एक साइड से आते हुए तो फिलहाल देखना वो टीम के यहाँ पर फेंच वगैरह डालेंगे जहाँ सर्कल के अंदर एंटर हो चुके हैं वो टीम के अंदर। टी एस एफ की टीम सर्कल के अंदर यहाँ पर फिलहाल एंटर हो चुकी है। फिनिक्स एक साइड से प्लान कर चुके हैं फिलहाल देखना फिनिक्स वहाँ पर देखना एम टू काफ़ी कड़ी चिपकाते हुए जो अपने अदर देश है काफ़ी कड़ी उन्होंने एम टू चिपकाई टीम हम को आई थी मैन ओपी को आई थी वहाँ पर चिपकाते हुए जहाँ काफ़ी कड़ी उन्होंने एम टू चिपकाई है वहाँ पर हिट वगैरह करना चाहेंगे वोटिंग के डेस्क को एर एक टीम टीजर ट्राइजर को वहाँ पर नौकरी जाट कर फिलहाल देखना होगा क्या फिनिश करेंगे यहाँ पर अदर उनके टीम के जो अदर देश है क्या वहाँ पर फिनिश करेंगे। फिलहाल देखना उनके टीम के एक साइड से वापस चिपकाते कड़ा एम टू वहाँ पर चिपकाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जल्दी फिनिश कर पाएंगे सामने स्मोक बॉल बनाते हुए वोटिंग का टीम हम को बचाने के लिए एक टी एस एफ जो कि फिनिक्स है वो साइड से नेट वगैरह ट्राई करते हुए जो उनके पैड ऑप्शन है वो भी एक साइड से नेट वगैरह ट्राई करेंगे। तो कल देखना जो उनकी टीम के आंसर की सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा 20 सेकंड यहाँ पर बचे हैं टीम नंबर 18 और टीम नंबर 2 के हम को जल्दी सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा वरना भाई यहाँ पर वो सर्कल के बाहर ही फिनिश हो जाएंगे या फिर भाई सामने वाली टीम को उस पर देकर फिनिश कर देगी। हम उन दोनों की पोजिशन पता है और बड़े जहाँ पर उनको फिनिश किया जाएगा जहाँ 10 सेकंड यहाँ पर बचे हैं टीम नाम्स के लिए। तो कल देखना हो यहाँ पर आमने सामने टी जेड बचे ये सब चलने वाला है देखना होगा 4v4 का मामला चलने वाला है ये भाई चारों टीम तब तक अलाइव है। सामने देखा फिनिक्स को काफ़ी कड़ा प्ले देते हैं उनका आई पी मैन ओपी है डेक्सटर है पैराडॉक्स है तीनों टीम मैम सीचर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। उसका देखो जो कि राइजन एक साइड टीम नाम जो कि 18 के हमसे उनके ऊपर एम वगैरह वहाँ पर लेते हैं उनके पास बच्चे वहाँ पर एंग्री बॉय एक साइड से निकलते हैं जो कि एंग्री बॉय हैं वो एक साइड से अजर दिशा के ऊपर जाते हैं जो अजर दिशा है वो पैदल वहाँ पर निकलते हैं अजर दिशा में निकल जल्दी फिनिश हो जाएंगे। एंग्री बॉय एक साइड से फिलहाल देखना एंग्री बॉय का सर्कल के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे। तो फिलहाल देखना क्योंकि टी एस एफ टीम का बैटर खेल टी एस एफ टीम का मेगा सर्कल के अंदर मेगा अपनी जगह बना लेंगे सर्कल के अंदर फिलहाल अपनी जगह बना चुके हैं। वहाँ पर देखना होगी जो कि ब्लास्ट वगैरह ना कर दिया जाए जो उनके यहाँ पर बड़ी जगह यहाँ पर जो कि टू बार भी यहाँ पर ब्लास्ट किया जाएगा एंग्री बॉय खैर वहाँ पर बचते हुए। तो फिलहाल देखना वहाँ पर बिल्कुल एज पर वहाँ पर बैठे हुए सर्कल के और अभी भी के पास थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत सर्कल पहुँच सकते हैं वो टीम गैम जहाँ तक मुझे लगता है स्मोक वगैरह करके जा सकते हैं। 15 मिनट भाग को सर्कल के अंदर जाना है सामने भाई सभी टीम गैम सर्कल के अंदर आना पड़ा सामने का कड़े नेड और वहाँ पर बड़े एंग्री बॉय को फिनिश करते हुए
जो कि उनके भाई टी एस विश्वा थे, बड़े जहाँ पर फिनिश कर चुके हैं, काफी उन्होंने लेट किया था। फिनिक्स को यहाँ पर देखना, उनकी टीम के हम सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। फिनिक्स यहाँ पर काफी ज्यादा दूर बैठे हुए हैं अपनी टीम से, और उनकी टीम के हम सर्कल के अंदर लगभग पहुंच चुके हैं। फिलहाल देखना उनके डार्क सोल जो कि हम सर्कल के अंदर है, ब्लड सर्कल के अंदर जाएंगे। फिलहाल देखना होगा सामने वो टीम के बिजी हो जाते हैं लेने के लिए, तो फिनिक्स यहाँ पर बड़े जुड़ने का थर्ड पीछे से यहाँ पर धप्पा कर सकते हैं। सामने टी एस एफ विश्वा एक साइड देखना अपना कुछ में डार्क यहाँ पर बच्चे कैंसिल कर देखना, उनकी टीम के हम डार्क स्कोर बाय पर बच्चे के आने के लिए हमको लेकर ब्लड डोज ना पाएंगे। सामने डार्क स्कोर से तो आप देखना जिनका एक्शन है पैर देखना एक साइड देखना उनके ब्लड को बनाकर देखा डार्क स्कोर बचे हमारी टीम से। फिनिक्स बचे हैं, दो टीम बचे हैं और फिनिक्स में काफी फिंच हुआ है, उनको सर्कल भी एक साइड से डैमेज देने वाला और एक साइड से कुछ के टी जेड के नाम से अपन नॉक हो चुके हैं। डार्क स्कोर वहाँ पर नॉक हो चुके हैं, वहाँ पर पैराडॉक्स होने के बाद फिलहाल फिनिक्स को वहाँ पर देख रहा हूँ। फिनिक्स राइजन एक साइड से पीछे जाते हैं, राइजन में क्या सपोर्ट वगैरह करने की कोशिश करेंगे। आई पी मैन ओपी वहाँ पर देख रहा हूँ, उनके डेक्स्टर हैं, राइजन है, वहाँ पर क्या उछर पाएंगे टीम के, उनके भाई सामने स्प्रे देंगे उनकी टीम के हम सब देख रहे हैं। वहाँ पर फिनिक्स को वहाँ पर देख रहा हूँ, बड़े यहाँ पर नॉक उनको सर्कल वगैरह डैमेज और डार्क के लगे टीम को लगे अपने जो कि ब्लड है उनको रियाज देते हैं। फिलहाल देखना पैराडॉक्स वहाँ पर नेट भी खर्च कर, फिलहाल देखना पैराडॉक्स वहाँ पर बड़े जी निकाल नेट वहाँ पर डाल सकते हैं, वहाँ पर जहाँ नेट डाला गया और वहाँ पर देखना काफी कर देने की कोशिश करते हैं टीम के हम होल बैक वहाँ पर थोड़ा करते हैं टीम के हम। फिलहाल देखना डार्क से वहाँ पर थोड़ा पीछे आ चुके हैं, सामने दो टीम होते हैं उनकी टीम के हम आठ की कट किया और टी जेड की टीम के हम वहाँ पर देख रहे हैं टोटल 16 किट कर चुके हैं। आई पी मैन होती है आठ की वहाँ पर तीन टीम वाली टीम के हम के डेक्स्टर वहाँ पर देखना ब्लड को निकाल देना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है बड़े जी ने अपने को फिंचर करा करते हुए 16-18 की लग रही है अपनी टीम करने ना करके दिए, तो कांग्रेस की लेशन वेल प्रमोशन के लिए मिलते हैं हम कल की टीम में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।